नजर आया। सीबीएसई द्वारा रिजल्ट जारी करते ही खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को बधाई दी गई, वहीं शिक्षकों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया है। कानपुर शहर में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कई स्कूल संचालित हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इस पर बोर्ड द्वारा छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला तैयार किया गया। बोर्ड का 10वीं परीक्षा का परिणाम 98% मार्क्स है, बेस्ट ऑफ 5। इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहिए? स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को, सबको जाता है इसका श्रेय। मैंने लाइक हम लोग ने 10th में स्कूल वालों ने बहुत हेल्प किया, गाइड किया, हमने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। पूरा लॉकडाउन ईयर था तो हम लोग को घर ही में पढ़ाई करनी थी, तो पेरेंट्स ने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? मेरे 98%। और इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और बाकी सब जिन्होंने मेरी हेल्प की। कोरोना के टाइम में बड़ा हेक्टिक रहा होगा आपको ये तैयारी करना? हेक्टिक तो क्या, अगर आप फोकस्ड रहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसे आगे का क्या है? वेल, मेरा बचपन से मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट रहा है तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा आगे। किस फील्ड में जाना चाहूँगा? मैं इंजीनियरिंग में। परसेंट मार्क्स आए? 98। और इसका पूरा श्रेय आप स्कूल और अपने माता पिता, इसके अलावा किसको देना चाहिए? मैं अपने सारे टीचर्स, अपने स्कूल, अपने स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पेरेंट्स, अपने भाई और अपने सभी रिलेटिव्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को 10th के थ्रू गाइड किया, मेरे को सारी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स जो थी उनमें हेल्प किया। बच्चों ने शत प्रतिशत रिजल्ट ला करके हम सभी को गौरवान्वित किया है और इसलिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी, अपने मैनेजमेंट को और सारे ही टीचर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस पैंडमिक में भी इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स दे आर शाइनिंग हाई। तो हम सभी बच्चों को बधाई देंगे और 98% हाईएस्ट जो स्कूल का बच्चा लाए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस लगन के साथ उन्होंने इस कठिनाई को पार किया है, आगे भी इसी तरीके से वो चलते रहें और सबका भविष्य उज्जवल हो, मेरी यही कामना है।